हैं उस समय में हमारी देश की प्रजातंत्र की इस कोरोना की समय में भी एक नई परीक्षा हम देंगे, उसमें हम हमारी प्रजातंत्र की विजय सुनिश्चित है। इसी के साथ मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 2014 से, जब 2014 में देश में माननीय प्रधानमंत्री देश की लोकप्रिय जननेता नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करके केंद्र शासन में दायित्व दिया, तब मोदी जी ने एनडीए की ओर से, पार्टी की ओर से, देश की ओर से एक प्रतिबद्धता, एक वचन देश के सामने रखा था कि हमारी सरकार देश की गरीब, महिला, युवा, पिछड़ा, वंचित वर्गों के लिए समर्पित रहेगा। हमारी सरकार सबको लेके चलेगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना, सभी के लिए प्रयास करने वाली सरकार रहेगी। मित्रों, मैं आज जब 2022 में उत्तर प्रदेश की चुनाव की हमारी पार्टी की ओर से पहला और दूसरा चरण की प्रत्याशी की घोषणा की थोड़े देर बाद हम आपके सामने करेंगे, तब मैं दो तीन विषय उल्लेख करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की एक नई विश्वास आज देश में सामने आई है। देश की जनता की, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी में अभूतपूर्व आशीर्वाद किया था। 300 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सर्व समाज ने आशीर्वाद किया। उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 में चिंताजनक थी। हमारी प्रमुख नारा, प्रमुख राजनीतिक प्रसंग हमने बनाया था गुंडा राज और भ्रष्टाचार पे। इसलिए दो विषय पे अगर देश के गरीबों के बारे में कहते हैं, उसकी सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश की गरीबों को मिलता है। आज देश में अगर गरीबों के लिए मकान बना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बना है। नल में पानी सबसे ज्यादा किसी प्रांत में पहुंची है तो उत्तर प्रदेश में पहुंची है। घर घर बिजली, घर घर एलपीजी गैस सिलेंडर, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, अभी अभी कोरोना के समय में पिछले कई महीनों से और आने वाले कई महीने तक कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और भारत सरकार की ओर से हमने उपलब्ध कराया। वहां की महिलाओं की बैंक खाते में पैसा, मजदूरों की बैंक खाते में सीधा पैसा बिना। बुढ़े नहीं होंगे, गधे हो जाते हैं भाजी, बुढ़े भी हो जाते हैं, ब्याह तो लेट भी हो जाते हैं। थोड़े ना हुण ब्याह ओ कराऊ, जां तां उहदा दिमाग खराब हो जां उहदे भाग खराब होणगे। यारा देख प्रोफाइल, आ कुड़ी मेरे बारे डिसाइड करी बैठी है ऑलरेडी। केड़ी, ये तां इन्नी सोहणी आ भाजी, नाले है भी 30-32 साल दी है। हां ते फिर, पर इहने डिसाइड कदों कीता? आ पढ़ की लिख्या, शी इज हैप्पी गो लक्की गर्ल। हैप्पी कौन? हैप्पी तुसी हो। गो मतलब? गो मतलब जाना। लक्की गर्ल? लक्की गर्ल मतलब किस्मत वाली कुड़ी। बस फिर? बस फिर की है कंजरा, वो कह रही है जे हैप्पी मेनू भजा के लेके जाऊ तो मैं लक्की गर्ल कह लाऊ। ਭਾਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।
ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸੱਤ ਮਾਈਨਸ ਸੱਤ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਤ ਮਾਈਨਸ ਸੱਤ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਨਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਲੇ ਚ ਯਾਰ ਡੀਸੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਮੋਟਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋ ਤਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਯਾਰ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਦੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਫਟਾਫਟ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਓਹੋ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ 6 ਦੀਆਂ 6 ਪੂਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਛੋਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਿਸਾਬ ਪੰਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ के साथ उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद करेगी उसकी सारे लक्षण दिखने को मिलता है हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश हमारे साथ आशीर्वाद करेगा हमारी पार्टी के ऊपर एनडीए के ऊपर हमारी गठबंधन फिर 300 से अधिक मतों से जीतेगी सीटों को हम जीतेंगे यह हमारा पूरा भरोसा है मित्रों मैं एक दो प्रमुख विषय उल्लेख करूंगा हमने पहला चरण और दूसरा चरण की आज हम पहला चरण की 58 सीट में से 58 सीटों में से 57 सीटों की आज हम अभी आपके सामने नाम रखेंगे दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों की हम नाम रखेंगे शेष हमारी जो सीट है उसकी विचार विमर्श पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया है उसके अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया गया है कुछ सीटों की गठबंधन की हमारे जो गठबंधन उनको भी जाएगा इसीलिए उसकी घोषणा आज हम नहीं कर रहे हैं और फिर आगे हम आपको तीसरे चौथे पांचवें छठवें और सातवें चरण के हम जैसे जैसे तय होगा उसको बताएंगे मैं आज प्रत्याशी सूची घोषित करते हुए मैं एक दो चीज़ों की हाईलाइट करूंगा और बाकी उसकी विवरण मेरे मित्र अरुण सिंह जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आपके सामने उल्लेख करेंगे मित्रों भारतीय जनता पार्टी जब संवेदनशील सरकार कहती है जब सर्वस्पर्शी समाज कहती है सिर्फ कहती नहीं है करके भी दिखाती है हमने जो कहा वो सो किया कार्यक्रमों में और नेतृत्व में भी हम उत्तर प्रदेश में पहले से भी हमारी परंपरा रही इस बार भी हमने जो अभी जो आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं हम सामान्य सीट में भी अनुसूचित जाति की वर्ग के मित्रों को भी लड़ाएंगे उसकी एक सीट आज हम आपके सामने जब अरुण सिंह जी आपको घोषणा करेंगे उसकी उल्लेख आएगी आज भी इस प्रकार की एक सीट है आगे भी इस प्रकार की सीट आएगा सर्व समाज सर्वस्पर्शी प्रतिनिधित्व किया जाएगा मैं सबसे पहले दो प्रमुख सीटों के बारे में जो फर्स्ट और सेकंड फेज में नहीं है उसकी उत्सुकता आप लोगों के अंदर है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड की माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी उसकी जो निर्णय हुआ है उसमें से दो प्रमुख सीटों के बारे में आपके सामने सूचित कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में
पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। फिर मैं अरुण सिंह जी को कहता हूं, वो आपके सामने बाकी सीटों के बारे में उल्लेख करेंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पर मुहर लगाई है उन प्रत्याशियों के नाम मैं पढ़ता हूं। कैराना, कैराना से भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती मृगांगा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। थाना भवन, हम सबको मालूम है कि गन्ना किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी, हमारे सरकार के समय बहुत अच्छी गन्ना किसानों के लिए काम हुआ, वहाँ से गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी अपना बनाया है। शामली, शामली से श्री तेजेंद्र सिंह निर्वाल वह प्रत्याशी होंगे। बुढ़ाना से श्री उमेश मलिक प्रत्याशी होंगे और चरथावल से श्रीमती सपना कश्यप पार्टी की उम्मीदवार होंगी। पुरकाजी से श्री प्रमोद उटवाल पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ेंगे। खतौली से श्री विक्रम सैनी जी चुनाव लड़ेंगे। मीरापुर से प्रशांत गुजर को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सिवाल खास से यहाँ से मनेंद्र पाल सिंह वह पार्टी के प्रत्याशी होंगी। सरधना सीट पर केंद्रीय चुनाव समिति ने संगीत सोम को अपना प्रत्याशी बनाया है। हस्तिनापुर, यहाँ से श्री दिनेश खटिक वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल, जो वो बहुत पहले विधायक होते थे, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किठोर, अभी सिटिंग विधायक सत्यवीर त्यागी जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मेरठ से श्री कमल दत्त शर्मा पार्टी के प्रत्याशी होंगी। मेरठ साउथ से सोमेंदर तोमर वह पार्टी के प्रत्याशी हैं। छपरौली से श्री सहेंद्र सिंह रमाला यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। श्री सहेंद्र सिंह रमाला वहाँ। बड़ौद से श्री कृष्णपाल सिंह मलिक, केपी मलिक यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बागपत से सिटिंग विधायक श्री योगेश धामा, इनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लोनी जो गाजियाबाद में है, वहाँ से श्री नंद किशोर गुजर पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, अभी सिटिंग विधायक हैं। मुरादनगर से श्री अजीत पाल त्यागी वह सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। साहिबाबाद, लोकप्रिय अभी के विधायक श्री सुनील शर्मा को पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद, अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री अतुल गर्ग को पुनः पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मोदी नगर, डॉक्टर श्रीमती मंजू शिवाज ये सिटिंग विधायक हैं, पार्टी ने आपको यहाँ से मोदी नगर से प्रत्याशी बनाया है। धौलाना से श्री धर्मेश तोमर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। हापुड़ से विजय पाल आड़ती यह पार्टी के प्रत्याशी। गढ़मुक्तेश्वर श्री हरेंद्र चौधरी तेवतिया यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नोएडा, यहाँ से श्री पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, सिटिंग विधायक हैं। दादरी से तेजपाल सिंह नागर वह पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, पार्टी के प्रत्याशी होंगे। जेवर श्री धीरेंद्र सिंह यहाँ पे यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सिकंदराबाद, यहाँ पार्टी ने नौजवान कार्यकर्ता श्री लक्ष्मी राज सिंह को प्रत्याशी बनाया है, यहाँ बदलाव हुआ है। श्री बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। स्याना से देवेंद्र सिंह लोधी यह
भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे या चुनाव लड़ेंगे। अनूप शहर से श्री संजय शर्मा, डिबाई से श्री सीपी सिंह चुनाव लड़ेंगे। शिकारपुर से अभी योगी सरकार में मंत्री श्री अनिल शर्मा जी वहाँ से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खुर्जा से श्रीमती मीनाक्षी सिंह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। खैर, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि अभी सिटिंग विधायक हैं, वो उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह, वह उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। अतरौली अभी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं और उत्तर प्रदेश के कदावर नेता और जिनका पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान करता है, ऐसे बाबू कल्याण सिंह जी के नाती हैं, मंत्री हैं, उनको पार्टी ने यहाँ से पुनः प्रत्याशी बनाया है। संदीप सिंह, छर्रा से रविंदर पाल सिंह अभी सिटिंग विधायक है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। कोल से अनिल पराशर, वो अभी सिटिंग विधायक हैं, बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। इगलास से श्री राजकुमार सहयोगी, यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। छाता से उस क्षेत्र में जो चौधरी साहब हैं उनका बहुत बड़ा नाम है, कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव है और अभी योगी सरकार में मंत्री हैं, ऐसे चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनको पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। माट से श्री राजेश चौधरी को पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। गोवर्धन की सीट बदली है, यहाँ से ठाकुर मेघ श्याम सिंह वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मथुरा, हम सबको मालूम ही है कि समाजवादी पार्टी के समय में 3-4 घंटे भी बिजली नहीं आती थी, वो आती भी थी तो कभी रात को आती थी, कभी दिन को आती थी, यह सिलसिला था। श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री, उन्होंने अथक प्रयत्न और मेहनत किया, योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है और गाँव में भी शहरों में भी 24-24 घंटे बिजली आ रही है। इसलिए मथुरा से श्रीकांत शर्मा को पुनः प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति ने बनाया है। बलदेव से श्री पूरन प्रकाश जाटव सिटिंग विधायक हैं, यह चुनाव लड़ेंगे। एतमादपुर में यहाँ से बदलाव हुआ है, डॉक्टर धर्मपाल सिंह को केंद्रीय चुनाव समिति ने अपना प्रत्याशी बनाया है। एतमादपुर से डॉक्टर धर्मपाल सिंह, पहले यहाँ बदलाव आया है। आगरा कैंट, बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्ति, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री, ऐसे डॉक्टर जीएस धर्मेश को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशी बनाया है। आगरा दक्षिण से कई बार के विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आगरा नॉर्थ, एक सामान्य कार्यकर्ता और लगातार पार्टी के लिए काम करने वाले, ऐसे हमारे श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी सिटिंग विधायक है, उनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। आगरा रूरल, यहाँ से पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व में गवर्नर रही, ऐसे श्रीमती बेबी रानी मौर्य आगरा रूरल, आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगी। श्रीमती बेबी रानी मौर्य पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। या फतेहपुर सीकरी में बदलाव हुआ है, यहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति ने चौधरी बाबूलाल जी पूर्व में मंत्री रहे, सांसद रहे, उनको प्रत्याशी बनाया है। खैरागढ़ से श्री भगवान सिंह कुशवाहा पार्टी के प्रत्याशी होंगे। फतेहाबाद से श्री छोटेलाल वर्मा, यह पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसी प्रकार वहाँ से अभी सिटिंग विधायक श्रीमती रानी पच्छालिका, वह
पार्टी की प्रत्याशी होंगी। मित्रों, मैं आपके समक्ष दूसरे चरण का नाम पढ़ने जा रहा हूं, जिसको केंद्रीय चुनाव समिति ने जिन नामों पे मोहर लगाई है। बेहट से हमारे लोकप्रिय नेता श्री नरेश सैनी को प्रत्याशी होंगे। नकुट से श्री मुकेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। सहारनपुर नगर से यह राजीव गुंबर यह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। सहारनपुर से जगपाल सिंह, हाँ सामान्य जी में हमने सामान्य सीट में जगपाल सिंह जी अनुसूचित समाज से आते हैं, उन्हीं को प्रत्याशी किया। देवबंद से श्री ब्रजेश सिंह रावत यह प्रत्याशी हैं। रामपुर मणिहारन यहाँ से श्री देवेंद्र निम यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और गंगोह यह सीट है, यहाँ से श्री कीरत सिंह गुजर यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नजीमाबाद से पहले सांसद रहे लोकप्रिय नेता हैं श्री कुंवर भारतेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्तित्व है। नगीना से डॉक्टर यशवंत को पार्टी ने एससी सीट रिजर्व सीट है यहाँ से, तो डॉक्टर यशवंत को दिया है पार्टी ने प्रत्याशी। बरहापुर से श्री सुशांत सिंह चुनाव लड़ेंगे। धामपुर से श्री अशोक कुमार राणा यह चुनाव लड़ेंगे। नरहौट यहाँ से श्री ओम कुमार पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बिजनौर से श्रीमती सुचि मौसम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। चांदपुर श्रीमती कमलेश सैनी केंद्रीय चुनाव समिति ने आपको प्रत्याशी बनाया है। नूरपुर से श्री सीपी सिंह प्रत्याशी होंगे। कांट से श्री राजेश कुमार चुन्नू यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। मुरादाबाद देहात से श्री कृष्णकांत मिश्रा केंद्रीय चुनाव समिति ने इनको प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद नगर से श्री रितेश गुप्ता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कुंदरकी से श्री कमल प्रजापति जी पार्टी की ओर से चुनाव लड़ेंगे। बेलारी से श्री परमेश्वर लाल सैनी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। चंदौसी से अभी योगी सरकार में मंत्री और बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व वाली ऐसे श्रीमती गुलाबो देवी पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। असमौली से श्री हरेंद्र सिंह रिंकू पार्टी के प्रत्याशी। संबल से श्री राजेश सिंघल। चमरौवा से श्री मोहन कुमार लोधी। बिलासपुर से श्री बलदेव सिंह औलख। रामपुर से श्री आकाश सक्सेना। मिलक से श्रीमती राजबाला। धनौरा से पार्टी के प्रत्याशी श्री राजीव तरारा। नौगांव से श्री देवेंद्र नागपाल। अमरोहा से श्री राम सिंह सैनी। हसनपुर से श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी। गुन्नौर से श्री अजीत कुमार राजू यादव। बिसौली से श्री कुशाग्र सागर। सहसवान से श्री डीके भरद्वाज। बिलसी से लोकप्रिय कार्यकर्ता श्री हरीश साक को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बदायूं से अभी मंत्री योगी सरकार में श्री महेश गुप्ता को यह प्रत्याशी होंगे। शेखपुर से श्री धर्मेंद्र साक्य। दातागंज से
श्री राजेश सिंह, राजीव सिंह बब्बू भैया, मीरगंज से डॉक्टर डीसी वर्मा, नवाबगंज से डॉक्टर एमपी आर गंगवार, फरीदपुर से डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, बिथनी चैनपुर से डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, बरेली से डॉक्टर अरुण सक्सेना, बरेली कैंट से श्री संजीव अग्रवाल, आंवला से श्री धर्मपाल सिंह, कटरा से श्री वीर विक्रम सिंह, पुआया से श्री चेतराम पासी, शाहजहाँपुर से भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और योगी सरकार मंत्री विद्वान व्यक्ति, ऐसे श्री सुरेश खन्ना को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इस प्रकार से यह मैंने आप के समक्ष दूसरे तीसरे पहले और दूसरे फेज का नाम आपके समक्ष पढ़ा और बाकी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने दो नामों पे आपको घोषणा की है। एक 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 कोई आप लोगों के प्रश्न हो, रविंदर जी एक मिनट भाई, रविंदर जी मित्रों, आज हमने जैसे 107 प्रत्याशी घोषणा किए उसमें सिटिंग एमएलए 83 थे, हमने उसमें से 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है, हमने 20 स्थानों में उन मित्रों को अन्य कामों में एंगेज करने की तय किया है, 20 स्थानों पे बदला है, यानी लगभग घोषणा की 20% हम लोगों ने परिवर्तन अभी तक हो पाई है। पायल जी, और उसमें नया कैंडिडेट 21 नए प्रत्याशी हम लोगों ने, युवा, महिला, डॉक्टर, समाज जीवन की अच्छे गुणवत्ता रखने वाले मित्रों को 21 नए प्रत्याशियों को हमने लाया है। पायल जी, आप भी तो करोगे कुछ? मैंने जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ, सबके साथ सबके विकास, सबकी विश्वास वाली सरकार, सर्वस्पर्शी सरकार, मैं उसको जब कह रहा हूं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, थोड़ा आप भी कुछ होमवर्क कर लो, अब सब आपके सामने है। देवेंद्र प्राशर, नहीं नहीं नहीं, योगी जी बहुत समर्पित भाव से, डे वन से मैं स्वयं उनसे बात करता था, उन्होंने कहा कि मैं 403 कहीं भी मेरे को पार्टी आदेश करेगी मैं उसमें चुनाव लड़ूंगा, कोई आग्रह किसी जगह पे नहीं था। पार्टी ने तय किया कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ाया जाए, वो शहर से उसको स्वीकार किए। शैलेंद्र जी, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपको हम बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। तकरीबन 105 ऐसे प्रत्याशी जिनके नामों का ऐलान फिलहाल किया गया है, जो पहले चरण में होंगे, जिसमें तकरीबन 58 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना था, लेकिन उनमें से सिर्फ 57 प्रत्याशियों का ऐलान नामों का हो चुका है। और पहले नाम में जो शामिल है उनमें आपके सुरेश राणा का नाम आता है, साथ ही मथुरा से श्रीकांत शर्मा है, सरधना से संगीत सोम चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी के तौर पे, उन्हें बीजेपी की तरफ से उतारा गया है, ये बड़ी खबर है। लेकिन जो बदलाव किया गया, अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो है वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो ऐलान अभी आधिकारिक तौर पर हुआ है उस पर नाम सामने आया है कि वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर ऐसी सीट है जहां से वो 5 बार के सांसद रहे हैं, और इसी के साथ अब वो विधानसभा का जो चुनाव है वो भी गोरखपुर शहर से लड़ने के लिए जा रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम सीधे जुड़ जाते हैं अपने यूपी के संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी से। प्रदीप जी, सीधे तौर पर जो योगी आदित्यनाथ है, अब तक अटकलें लग रही थी और कहीं ना कहीं स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा बदलाव आखिरकार क्यों किया गया है? बड़ी बात है, देखिए ये जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ और वहां से धर्म का प्रचारक होंगे, पूरे जब योगी वहां से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या की धमक पूरे देश में, क्या पूरे प्रदेश में, पूरे विश्व में सुनाई पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अयोध्या एक बड़ा स्थल है, राम जन्मभूमि का स्थल है, राम की जन्मभूमि है वहां पर और राम मंदिर वहां बन रहा है और ऐसे में वहां के चुनाव लड़ते तो एक बड़ा फायदा मिल सकता था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने निर्णय किया कि क्योंकि पूर्वांचल से ही वो चुनाव लड़ते रहे, गोरखपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं, कई पिछले कई बार से वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में उनको वहीं से चुनाव लड़ाया जाए। और दूसरा बड़ा मैसेज जो केशव प्रसाद मौर्य के लिए दिया गया वो सिराथू से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वही प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे जहाँ से वो चुनाव लड़ते थे। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये साफ कर दी गई है कि कहीं कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है, जो जहाँ पर है वहीं पर उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। हम पूरी अगर लिस्ट का विश्लेषण करें तो बहुत खास चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और खासकर धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं, उस पर फोकस डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि दलितों को उनका पूरा हक मिलेगा। इस लिस्ट में उन्होंने एक नाम ऐसी चर्चा की जो सामान्य सीट पर भी दलित को वहां से लड़ाया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और सारे समीकरणों का इसमें ख्याल रखा गया है, खासकर दलित पिछड़ों का ख्याल रखा गया है, जिससे कि ये मैसेज ना जाने पाए कि जो दूसरी पार्टियां मैसेज दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों की विरोधी है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य इसको नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। तो पूरी लिस्ट की बात देखिए और एक बहुत और अहम बात है इस लिस्ट में, वो ये है कि जो 40% टिकट कटने थे पहले वो दो तीन मंत्रियों के बाहर जाने से उस पर अंकुश लग गया है और मात्र 20% टिकट काटे गए, यानी कि 50% टिकट एक्स्ट्रा एक्सेस दिए गए हैं और इसमें ऐसे उन लोगों को भी टिकट दिया गया है जो उस उम्र की सीमा रेखा को पार कर चुके हैं जिसमें जनरली भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है। इसमें हम एक नाम ले सकते हैं, ये नाम है मंत्री जो पशुधन मंत्री रहे हैं, पशुधन मंत्री की उम्र हो चली है लेकिन उनको वहां से टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दबाव है, प्रेशर है। बीजेपी कहीं ना कहीं भाप चुकी है कि आखिरकार क्या चल रहा है और मुझे इस स्थिति को किस तरह से संभालना है, इसलिए सिर्फ 20 बदलाव किए गए हैं सिटिंग एमएलए में और वहीं 21 ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मौका दिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मात्र 20 लोगों के टिकट काटे गए हैं, वो भी बहुत मजबूरी में टिकट काटे गए हैं, जिससे कि मैसेज न जाने पाए, लोग दूसरे पार्टी में जाकर के उन्हें ये मैसेज ना दे पाए कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित में काम नहीं कर रही है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं उन्हें बाकायदा बुला करके समझा दिया गया है कि आपको दूसरी जगह पर सेट किया जाएगा, आपको एडजस्ट किया जाएगा, आपको निराश, हताश, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको मनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या वो मानेंगे। देखिए लिस्ट में साफ है कि 44 ओबीसी को टिकट दिया गया है, ये एक सबसे बड़ी बात है। 107 उम्मीदवारों में 63 जो मौजूदा विधायक है वो 63 है, यानी कि 20 लोगों के सिर्फ टिकट काटे गए हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जब देखेंगे कि ओबीसी का वर्ग इसमें सबसे ज्यादा, चंक इसमें सबसे ज्यादा है, आप ये भी हम हमारे दर्शकों को हम बताते चले कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपना अंतिम वो किया था, एक्सपेंशन किया था कैबिनेट का, तो उसमें भी 7 मंत्री बनाए थे और उन 7 में से 6 बैकवर्ड के मंत्री बनाए थे। ये अलग बात है कि उन्हें राज्य मंत्री ही बनाया गया था, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया था। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जब आखिरी एक्सपेंशन हुआ था कैबिनेट का तो उसमें भी 7 मंत्री बनाए गए थे, उस 7 में से 6 ओबीसी के मंत्री बनाए गए थे। इसमें भी अलग बात है कि सारे स्टेट मिनिस्टर बनाए गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि पिछड़े वर्गों को ये बताने की, ये जताने की, ये समझाने की कि पार्टी उनके साथ में खड़ी है, उनके साथ में अन्याय
नहीं होने देगी। 19 एससी को भी टिकट दिया गया है, यानी कि 44 ओबीसी और 19 एससी को भी टिकट दिया गया है। ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि दलितों का और पिछड़ों का जो एक बड़ा चंक आता है उत्तर प्रदेश से, उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। यानी कि पूरी तरह से डैमेज जो हुआ था उसको कवर अप करने की कोशिश की गई है, और जिस तरह से आपने बताया कि 44 जो ओबीसी हैं उन्हें यहां पर जगह दी गई है, तो प्रत्याशियों के तौर पर उन्हें उतारा गया है, तो ऐसा एक संदेश देने की भी कोशिश है कि बीजेपी जो है वो पिछड़ों और दलितों के साथ में है, उनका विकास चाहती है, उनका सम्मान करती है, इसलिए उन्हें इतने प्रत्याशियों के तौर पर उन्हें उतारा भी जा रहा है, उन पर हम भरोसा भी जताते हैं, इस तरह का एक संदेश देने की इससे कोशिश की गई है। प्रदीप जी, एक सवाल है कि 63 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें वापस से जो भरोसा है उनके ऊपर जताया गया है प्रत्याशियों के ऊपर, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एंटी इनकम्बेंसी को लेकर की बात चल रही थी, क्योंकि इसके पहले जब हमने कई सारे डिबेट किए हैं, सवाल जवाब का दौर चला है, तो उसमें चला भी था कि एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए कईयों के टिकट कट सकते थे, तो अब ये जो एंटी इनकम्बेंसी की दिक्कत है वो कहीं ना कहीं अब सामने में रहेगी। बिल्कुल, और मजबूरी है उनकी, क्योंकि अगर टिकट कटते तो शायद और लोग दूसरे पाले में दिखाई पड़ते जो कि वो वहाँ पर दूसरी पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। और ये बात बिल्कुल आपने ठीक कही किरण की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं है और ये उसमें झलकेगा भी, शायद नजर आएगा भी। मजबूरी पर लोगों के टिकट काटे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने, केंद्र की सरकार ने कई बार उत्तर प्रदेश का सर्वे कराया था, कम से कम 3 बार सर्वे कराया था, और जिसमें ये नजर आया था कि एंटी इनकम्बेंसी भरपूर तरीके से है, ऐसे में ज्यादातर विधायकों के टिकट, जो वर्तमान के विधायक हैं उनके टिकट काट के नए लोगों को दिया जाना चाहिए। दूसरी एजेंसी जो यूपी की है उन्होंने भी सर्वे किया था, आरएसएस की जो का सर्वे है उसमें भी ये आया था, और साथ ही साथ में एक स्पेशल टीम गुजरात से बुलाई गई थी जिन्होंने पूरे 403 विधानसभा का सर्वे किया था, उसमें भी ये आया था कि नाराजगी बहुत ज्यादा है और ऐसे में टिकट कटना लाजमी है। लेकिन ये जो 3 मंत्री अभी पार्टी छोड़कर गए हैं उसने सारा परिदृश्य बदल दिया है और पार्टी को मजबूर कर दिया है कि नहीं, आपको उस पर स्टिक रहना होगा। आप देखिए, जितने पुराने नाम है, जितने दिग्गज नाम है, उन सब को टिकट यहाँ पर दिया गया, उनके टिकट नहीं काटे गए। कल्याण सिंह के पोते को टिकट यहाँ पर दिया गया है और मथुरा से श्रीकांत शर्मा को टिकट रिपीट किया गया है, लोग बता रहे थे वहाँ पर नाराजगी है उनको लेकर के। इसी तरीके से तमाम जितने राणा को टिकट दिया गया है वो हिंदूवादी के प्रखर चेहरा है, और मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था उसमें बड़े हिंदू चेहरे के रूप में उभर करके आए थे, उनको भी वहाँ से टिकट दे दिया गया है, रिपीट कर दिया गया है। तो सारी कैलकुलेशन कर करके ये टिकट दिया गया है। लेकिन आपने जो बात कही किरण वो बहुत ही मौजू बात है, वो मौजू बात इस तरह से है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर इस पे प्रभाव डालेगा, क्योंकि 63 विधायकों के टिकट नहीं बदले गए हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और यही देखना होगा चुनाव में कि ये कितना असर डालता है। जी प्रदीप जी, जिस तरह से आप लगातार बीजेपी को कवर अप कर रहे हैं, तो हम आपसे एक चीज समझना चाहेंगे। यहाँ पर हम वापस से योगी आदित्यनाथ के ही इस पे आते हैं कि वो पहले अयोध्या से लड़ने जा रहे थे, क्या ये वो भाप गए, क्या ये पार्टी समझ गई है कि अयोध्या से जीत पाना योगी आदित्यनाथ का थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है, इसलिए उन्हें वही सेफ सीट दिया गया है, या फिर हम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनको भी पारंपरिक सीट ही दिया गया है ताकि वो जीत करके आ जाए। देखिए, दो बड़ी चीजें हैं, हम अगर अयोध्या की बात करें उससे पहले एक व्यक्ति का नाम मैं लेना चाहूंगा, नंदलाल गुर्जर एक विधायक हैं और वो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, इस सब के बावजूद उनको टिकट दिया गया, रिपीट किया गया उनको, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मुश्किल में है और कितनी मुश्किल तरह से उसको उन्होंने वहां पर एडजस्ट किया, टिकट दिया, क्योंकि अगर उन्हें टिकट ना मिलता तो वो भी पार्टी छोड़ने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए थे। अब किरण, मैं आपकी बात पर आता हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि बताया गया है कि आप वहीं से चुनाव लड़िए जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, आप जीत कराते हैं, आप वहां से जीत कराइए, दोबारा से संदेश दीजिए। पार्टी कतई ये संदेश नहीं देना चाहती है कि हार के डर की वजह से उन्हें अयोध्या लिया जा रहा है, और इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को भी सिराथू से चुनाव लड़ाने की बात की गई, उनकी उम्मीदवारी घोषित की गई है, जिससे कि कहीं ये गलत मैसेज ना जाए कि ये लोग चुनाव हार रहे थे इसकी वजह से उनके स्थान बदल दिए गए हैं। देखिए, अक्सर होता ये है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव हार रहा होता है तो उसकी कंस्टिट्यूएंसी बदल दी जाती है, लेकिन पार्टी ने इस बार ये काम
ज्यादा नहीं किया है, जैसे कि श्रीकांत शर्मा को मथुरा से वापस टिकट दे दिया गया है, पशुधन मंत्री को उन्हीं की जगह पर टिकट दे दिया गया है, सुरेश राणा को भी उन्हीं की जगह पर टिकट दिया गया है। तो ये बताने की कोशिश की गई कि पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो लोग दोबारा चुनाव जीत करके आएंगे, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उन पर प्रभावी नहीं होगा और जीत करके आएंगे। ये पार्टी ये मैसेज देना चाहती है। इस वक्त की जो दो लिस्ट जारी की गई है, एक जो दो चुनाव जो भाग के चुनाव होने वाले हैं उनकी जो लिस्ट जारी गई है, बिल्कुल प्रदीप जी, और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी सीधे तौर पे कहा था कि हम 300 के ऊपर ही सीट लेकर के आएंगे इस बार के भी चुनाव में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि यहां पर पहली और दूसरे चरण की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से, और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वही केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं वो सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिए अमेज़न प्राइम के साथ।